हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। जब से ट्रेनों में LHP कोच लगना चालू हो गए हैं, तभी से ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ा दी गई है 130 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। जिन भी ट्रेनों में LHP कोच लगे हैं, उनकी स्पीड 123 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है वह। और हम बात करेंगे शताब्दी की, जो कि भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन थी, पर अब वंदे भारत हो गई है, जो कि 160 किलोमीटर की रफ्तार से, और मीडियम स्पीड की 180 किलोमीटर है वैसे, पर 160 और 180 के बीच में चलती है वंदे भारत। और जो गतिमान है वो 150 और 160 के बीच में चलती है। आज हम बात करेंगे शताब्दी एक्सप्रेस की, जो कि भोपाल के रास्ते जाती है, भोपाल से न्यू दिल्ली की ओर। और इसकी स्पीड की बात करेंगे तो सबसे हाई स्पीड शताब्दी की देखी जाती है कि यह 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है भोपाल से न्यू दिल्ली के बीच, और यह बहुत फास्ट ट्रेन है शताब्दी। बाकी जितनी भी ट्रेनें हैं राजधानी जितनी भी हो गई, राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई, यह सब फास्ट ट्रेन हैं। और संपर्क क्रांति, तेलंगाना एक्सप्रेस, AP एक्सप्रेस, यह सब ट्रेन हैं, इनके नाम चलते हैं तमिलनाडु, कालका हावड़ा। पर जो शताब्दी एक्सप्रेस है, यह भोपाल से दिल्ली के बीच में चलती है 150 किलोमीटर की रफ्तार से। और इसके स्टॉपेज के बारे में हम बात करेंगे तो यह 3:30 बजे निकलती है भोपाल से PM, और यह इसका पहला स्टॉपेज रहता है बीना के बाद इसका सेकेंड स्टॉपेज ललितपुर के बाद यह सीधा रुकती है जाके झांसी में, जिसे वीरगाना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। झांसी को नए स्टेशन का नाम करा गया। जो झांसी के बाद यह जाती है ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। ग्वालियर के रास्ते यह मुरैना होते हुए फिर यह जाती है मथुरा, आगरा कैंट होते हुए यह दिल्ली पहुंचती है न्यू दिल्ली, और यह दिल्ली 7:30 बजे PM पर यह पहुंचती है। तो यह बहुत फास्ट ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, जो भी अधिकतर जैसे कि दिल्ली से भोपाल से दिल्ली के बीच में सफ़र करना चाहते हैं, और तो वह इसी ट्रेन का उपयोग करते हैं ज़्यादा, क्योंकि यह बहुत फास्टेस्ट ट्रेन है और 150 किलोमीटर की रफ्तार से यह चलती है। देखा जाए तो सबसे पहले भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन शताब्दी ही थी, फिर धीरे धीरे करके समय के अनुसार सब एक से एक बढ़ के ट्रेन आ गई। अब जैसे शताब्दी, सबसे पहले शताब्दी थी, शताब्दी के बाद में फिर गतिमान आ गई, गतिमान के बाद तेजस आ गई, तेजस के बाद में अब सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है, जिसके आगे सभी ट्रेनें फेल हैं। पर यह जो शताब्दी है, यह भी 150 किलोमीटर की रफ्तार से भोपाल से न्यू दिल्ली के बीच में दौड़ती है, और बहुत फास्टेस्ट ट्रेन है यह भी। इसके स्टॉपेज भी लंबे स्टॉपेज हैं, और 2 मिनट से ज़्यादा का स्टॉपेज इसका नहीं है। तो कभी भी आपको भोपाल से दिल्ली के बीच में सफ़र करना हो तो आप शताब्दी में ज़रूर सफ़र करें, और अपने समय से पहले पूछें।